कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो यार, बैक स्क्रीन ही मैंने कुछ नया करा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने क्या नया करा है। तो ये जो चीज़ है वो गाइडिंग लैंड्स के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो रिसर्च लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ क्या है ये। मैंने एक नया चार्म क्राफ्ट किया है। बेसिकली ये है कहाँ गया, सर्वेयर्स चार्म। तो इसका फंक्शन क्या रहता है ना कि स्काउट फ्लाई तो रेंज अप करता है, प्लस एक स्कॉलर स्किल देता है अपने को। मतलब बता देता हूँ कि स्कॉलर स्किल क्या होता है। स्पीड्स अप प्रोग्रेस ऑन रिसर्च लेवल इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। तो किसी भी चीज़ का रिसर्च लेवल है वो बहुत जल्दी जल्दी अब मतलब बढ़ने लगता है। कितना परसेंट तेज बढ़ता है वो तो बताया नहीं गया है, तो उसको टेस्ट करने का तो एक ही तरीका है, गाइडिंग लैंड्स के लिए निकल लेते हैं। और देख सकते हो यहाँ पर वाइपर, टोबी, कडाची, बैनबेरो और फलगर रंजन आता है। तो एक चीज़ है, अगर गाइडिंग लैंड्स के जो मॉन्स्टर्स हैं उनको चेंज करने हैं, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कि ये तीन मॉन्स्टर है और तुमको इन तीन मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं रोड किसी और चीज़ के लिए निकल लूँगा। सिर्फ जैसे कि एल्डर्स रीसेस में पहले निकल लूँगा, और जैसे ही मैं एल्डर्स रीसेस पहुँचता हूँ फिर से गाइडिंग लैंड पर अपना कर्सर डाल के देखूँगा, तो वहाँ पर जो मेन मॉन्स्टर्स होंगे वो चेंज हो चुके होंगे उस टाइम तक। तो यूजुअली ये ट्रिक काम कर जाती है, यूजुअली क्या, हमेशा ही ये ट्रिक काम करती है। जब भी कुछ ऐसे मॉन्स्टर दिखे जिनसे लड़ना नहीं चाहते, या फिर कुछ ऐसे मॉन्स्टर दिखे जो ऐसे एरियाज पे है जिनका लेवल बढ़ाना नहीं है, तो इस चीज़ से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ आराम से। ओके, एल्डर सीसेस पहुँच चुका हूँ मैं, फिर से चेक करूँगा गाइडिंग लैंड्स पे। तो यहाँ पर देखो यार, कोरल पुके पुके आ चुका है। कोरल पुके पुके यानी कि क्या कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया का जो है उसका लेवल मैं बढ़ा सकता हूँ। फॉरेस्ट एरिया नहीं, सॉरी, कोरल हाईलैंड्स एरिया का। तो उसी के लिए मैं निकल लूँगा। निकलने से पहले ये एक 5 सेकंड का बड़ा एनिमेशन प्ले होता है। पता नहीं वो लोडिंग स्क्रीन छुपाने के लिए रहता है या फिर नहीं, क्योंकि लोडिंग स्क्रीन तो टाइमिंग मुझे ज़्यादा खतरनाक डिफरेंस दिखता नहीं है, भले ही वो एनिमेशन प्ले हो या ना हो। बट ठीक है, गाइडिंग लैंड्स के लिए वैसे भी लोडिंग स्क्रीन जो है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब आगे रहता है। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करने के बाद हो सके तो रेजिंग ब्रैकेटियो से एक आखिरी बार लड़ेंगे। आखिरी बार तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके काफ़ी चीज़ें मेरे को क्राफ्ट करनी है। बट ठीक है, सबसे पहले तो मैं कर लूँगा मील। नाइस, आइटम्स को कर लूँगा मैं रीस्टॉक। लोड आउट टू, नाइस। तो अब चल लेते कोरल पुके पुके के पास। ये भी है कि गार्डिंग लैंड्स में सिर्फ मॉन्स्टर को मारने से ही लेवल्स नहीं बढ़ते। अगर मॉन्स्टर को मैं क्या कहते हैं, उसके फुटप्रिंट्स वगैरह भी देखूं, यहाँ पर देख सकते हो राइट, तो इनसे भी लेवल काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर्स पे बढ़ सकते हैं। पुके पुके के फेदर्स, ये लोग आ गए। बहुत ही खतरनाक जंपिंग अटैक दिया उसने। नाइस, चलो ये भी गए।
अब बेसिकली कोरल पुगे पुगे की चीज़ें उठानी है। तो ये एक और मिल गया फुटप्रिंट, कुछ और फेदर्स पड़े हुए हैं। अच्छा वो इनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। वहां पर एक और फेदर अचानक से स्पॉन हो गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, अच्छी बात है। तो देख ही सकते यार, जैसे जैसे मैं चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे इन्वेस्टिगेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। कलेक्ट कर लिया मैंने नलबेरी। भूखे भूखे सो रहा है, बहुत सही। तो मेरी फिलहाल की प्लानिंग रहेगी कि इसको दो बार ट्रैप डालूं, राइट, और उसके बाद इसको मारना शुरू करूं। और जैसा कि मेरे को लगता है मेरे पास ट्रैप्स नहीं है, कैसे, चलो कोई नहीं, एक ही बार ट्रैप डालता हूं, उसके बाद मारना शुरू करता हूं। नाइस। दो बार हो चुका टेंडर आइस। फोर साइड सही टाइम पे ही आई स्पिरिट स्लैश। ड्राइव वो पैरों पे लगा, फिर से ट्राई करते हैं। नाइस, मौका मिला है, कर देता हूं मैं फ्लिंच शॉट। स्पिरिट गेज फुल, गलत टाइम, खैर कोई दिक्कत नहीं। हेड को भी कर दिया मैंने टेंडराइज, मौका मिलते ही लूंगा हेलम ब्रेकर। अच्छा एक सेकेंड, मैंने हेड वगैरह टेंडराइज नहीं किए क्योंकि मैंने अपना शेवर जान बदल दिया था, तो अब तक तो कोई भी चीज टेंडराइज हुई नहीं अब तक सही से। अब हुआ, चलो सही है। बुरा हाल, हेलम ब्रेकर, पंखों पे वार, पंख तोड़ दिए मैंने। अच्छा वो सब करने से पहले गलत चीज मैंने कलेक्ट करने की सोची, इसके पार्ट्स वगैरह कलेक्ट कर लूंगा। अरे यार नहीं, फिर से नहीं। पोजीशनिंग गलत थी, फिर से नहीं। अरे यार ये तो है कोरल पुके पुके से एक बार थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए, उसके बाद पिटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करना है इसके हमेशा करीब रहने की। गया मैं लगता है, गया नहीं, बच गया। चलो अच्छा है। बहुत ज्यादा पिट चुका हूं मैं यहां पे। एक हेलम ब्रेकर प्लीज, नाइस।
लगा ही था मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मैं फाइट भूल चुका हूँ लगता है। गया गया गया, बच गया। नाइस, शार्पनेस देख सकते हो बहुत कम हो चुकी है, तो जल्दी से कर लूंगा वेपन शीट। और कर लूंगा शार्पन। अच्छा वो मेरे पे फुल ब्लाइट रेजिस्टेंस है, नहीं तो अभी वाटर ब्लाइट से ही सफ़र कर रहा होता, इतना डैमेज तो देना बनता ही नहीं था फिर। जियोलॉजिस्ट होने के बाद भी क्या कहते हैं, मुझे डबल टाइम आइटम्स उठाने को मिल नहीं रहे, पता नहीं क्यों। थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया। लग जाए यार, ये तो मेरी गलती थी। बहुत सही, हाइड्रेटेड सर। एक वॉल बैंक तो बनता है, स्टैमिना खत्म हो गया मेरा इतने में। एक और बार, नाइस वॉल बैंक, यही मौका है हेड पहन लेकर। फोर साइट, काफी तेजी से गया वो, दिखाई भी नहीं दिया मुझे। बहुत सही टाइमिंग पे मैं अंदर गया, नाइस, क्या बात है यार। मैंने पूंछ पे नहीं मारा बट ठीक है। नहीं 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 नहीं, जोश में आके मैंने हेल्म ब्रेकर मार दिया, जबकि मारना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरा रेड स्पिरिट गेज फुल नहीं था। तो चलो यार, पुके पुके कमजोर हो चुका है, बहुत सही। कैप्चर कर लूंगा मैं इसको अभी, कैप्चर के अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके नाइस, वहां पर देख सकते हो एक बोन पाइल है अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। देख ही सकते हो यार कितना ज्यादा कैमोफ्लॉज होकर है यहाँ पे, तो आधे से ज्यादा टाइम तो ये सब चीजें दिखती भी नहीं है, बट खैर चलो इसको कर लेते कलेक्ट। अब चलते हैं पूके पूके की तरफ, एकदम गधे बेच के सोया हुआ है। कर लेंगे इसको कैप्चर, फिर देखते हैं कोरल हाइलैंड्स का लेवल कितना बढ़ता है। चलो ये तो कैप्चर हो चुका है, 100 पॉइंट्स मिले कैप्चर के, बहुत सही। अब देखते हैं, रिपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को जाकर के अपनी हैंडलर के पास। ओके नाइस, एक बार देख लूंगा फिर से कि कोरल हाइलैंड्स का, देख ही सकते हो यार लेवल 4 तक था, ऑलमोस्ट आधा बढ़ चुका है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास सर्वेयर शाम था। मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ,
यहाँ पर देखो, रेड मार्कर यहाँ पर था, एकदम ही आधा बढ़ चुका है, वो भी एक मॉन्स्टर को मारने के बाद लेवल 4 से सीधे ऑलमोस्ट लेवल 5 तक पहुँच गया, राइट। तो चलो यार, ये हो चुका है, कोरल हाइलैंड जल्दी ही लेवल 6 तक पहुँच सकता हूँ मैं, चांसेस है। अब एंशिएंट फॉरेस्ट को भी, एंशिएंट फॉरेस्ट का लेवल भी आगे करना है मेरे को। तो अभी तो बैन बैरो है, बैन बैरो से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं जाऊंगा सबसे पहले फर्स्ट कैंप में। देखता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। चेंज इक्विपमेंट, यार मेरे को अभी भी लगता है कि यहाँ पर डेकोरेशंस वगैरह चेंज करने का होना चाहिए था। मॉन्स्टर हंटर राइज में डेकोरेशंस चेंज कर सकते हैं। मॉन्स्टर हंटर राइज मॉन्स्टर हंटर का दूसरा गेम है, तो बैनबेरो को फुटप्रिंट्स कर दिया मैंने कलेक्ट। कुलू यकू भी है यहाँ पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कुलू यकू वाइल्ड स्पायर वेस्ट के रीजन में आता है या फिर फॉरेस्ट के रीजन में आता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है पता लगाने का, हैंडल के पास जाऊँगा और रिपोर्ट करने के लिए कुछ है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। ओके, हैंडलर के पास जाऊंगा फिर से और लेयर आउट मॉन्स्टर करूंगा। तो इसमें देखूंगा कुलू यकू जो है, देख सकते हो यार यहाँ पे, वो सिर्फ वाइल्ड स्पायर वेस्ट के रीजन में मिलता है, तो उसको नहीं पकड़ना है। पुके पुके जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड स्पायर में मिलता है, एंजनाथ भी जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड फायर में है, और कौन कौन है, बैन बैरो देखते हैं। बैन बैरो जो है, एक सेकेंड, बैन बैरो ऑलमोस्ट सभी रीजन में मिलता है, ये बड़ी अजीब बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखता हूँ कि फॉरेस्ट में मैं किसी और को ल्योर आउट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे ये एंशिएंट फॉरेस्ट का लेवल जो है वो बढ़ाना है। पोस्ट न्यू क्वेस्ट नहीं, पोस्ट न्यू क्वेस्ट नहीं, लियर आउट मॉन्स्टर करूँगा। एंजनाथ को कर सकते हैं, लेकिन एंजनाथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और क्या क्या है, जिनोगर कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और जिनोगर के पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं, तो उसको कर सकता हूँ। तो चलो फॉरेस्ट में, ये क्या किया मैंने, लेयर आउट मॉन्स्टर, राइट, जिनोगर फॉरेस्ट। बेसिकली चिड़िया पर बॉम्ब लगा कर भेजा है उन्होंने कि जिनोगर को बाहर निकालने के लिए। तो फॉरेस्ट रीजन में जिनोगर बाहर निकल चुका है, तो अपने को फुटप्रिंट्स मिलना अभी शुरू हो जाएंगे, हो तो जाने चाहिए, शायद यही है। कुलू यकू, कुलू यकू, कुलू यकू के ही है। थोड़ा शायद वेट करना पड़ेगा जिनोगर के आने का। ओके, जिनोगर आ चुका है, नाइस। स्काउट फ्लाइज जो है मेरे को रास्ता दिखा रहे हैं अभी उसकी तरफ। पहला फुटप्रिंट है जिनोगर का, बहुत सही। थोड़े और फुटप्रिंट्स कलेक्ट कर लूँगा मैं, जब भी मौका मिले यार। क्या कहते हैं, हंटिंग से पहले गार्डिंग लैंड में फुटप्रिंट्स कलेक्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं ये, और मज़ाक नहीं है गाइडिंग लैंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलना। तो जिनोगर ऊपर है, तो मैं डायरेक्ट चढ़ करके नहीं जाऊँगा, मैं छोटा छोटा नहीं, लंबा वाला रास्ता लूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उसको स्पीड रन नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसको मारना नहीं है, मुझे उसके सारे फुटप्रिंट्स वगैरह भी कलेक्ट करने। साइंस ऑफ टर्फ वॉर, बहुत सही। गिली मेंटल होगा क्या मेरे पास, गिली मेंटल पहन लूँगा मैं, और जिनोगर के इर्द गिर्द बस, इर्द गिर्द बस थोड़ा सा इधर उधर घूमूंगा, ताकि फुटप्रिंट्स वगैरह अच्छे से पहले कलेक्ट कर सकूं। और एक बार वो हो गया तो जिनोगर की पिटाई शुरू।
आई गेस इतना ही था यहाँ पे, तो चलो नीचे चल लेते हैं। कुछ नहीं करना जिनोगर के, बस कदम फॉलो करने जब तक गीली मेंटल तैयार है। जैसे गीली मेंटल खत्म होता है लड़ाई शुरू। जिनोगर्स यूजुअली डोसाइल नहीं होते, एग्रेसिव रहते हैं, मतलब अगर देख लिया तो हमला करना शुरू कर देंगे। जिनोगर फुटप्रिंट नहीं डाल रहा है, कैसे यार, इतना भारी जानवर है। खैर कोई दिक्कत नहीं, उसकी तरफ जाने से पहले ओहो यहाँ पर बोन्स वगैरह है, उसको कलेक्ट कर लूँगा मैं। लकी चार्म्स वगैरह नहीं है मेरे पास, इसलिए ज़्यादा कुछ लक काम नहीं आ रहा। रेयर मटेरियल्स मिल नहीं रहे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनोगर्स गैशेस कहीं तो भी लिखा हुआ था। फुटप्रिंट्स है यहाँ पे, जिनोगर गैशेस नीचे ही थे, मैंने पकड़ा नहीं शायद उसको सही टाइम पे। देखो यार कितनी जल्दी कोरल रीजन का लेवल जो है वो अप हो गया, लेवल 4 से लेवल 5 पे। खैर गैशेस कहाँ पर है मेरे को दिख नहीं रहे, यहाँ पर दिखा तो रहे मेरे को। देखो यहाँ पर देख सकते हो ओल्ड गैशेस करके कुछ तो भी लिखा है। फुटप्रिंट्स भी है, ओके जिनोगर ने मेरे को देख लिया। देख ही लिया है तो लड़ाई शुरू कर देंगे। ये कहां से आ गया? सर्वेयर शार्म का एक ज्वेल होना चाहिए था यार, मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरी स्किल है ये। लेकिन डेकोरेशन वगैरह है नहीं इस चीज़ को रिलेटेड। चलो जो भी है, पहला पैर तो टेंडराइज हुआ ही। हो पाएगा टक्कर? शायद हो जाए, नहीं हो पाया। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक और बार कोशिश करूँगा, उसको पास आने दूंगा दीवार के। नाइस, अब तो होना चाहिए और सही। तो करूंगा टेंडराइज। बहुत सही बिल्ले, बहुत सही। सही टाइम पे फोर साइड था। चीजों को उठा लूंगा पहले तो, क्योंकि जिनोगर की चीजें यार छोड़ नहीं सकते। सही मौका है हेल्म ब्रेकर डालने का। बहुत सही, लग जा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्रेड हुआ, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वो सिर्फ पावर अप कवर करने में लगा यार। बढ़िया, सही टाइम पे फोर साइड था।
काफी नैरो जगह भी है, लेकिन बार बार बचा। हेलम ब्रेकर, बढ़िया टाइमिंग थी, लाई स्प्रिट स्लैश भी अच्छे से लगा। चलो यार कुछ मटेरियल्स गिरा है इसने, कुछ नहीं गिरा है, किस्मत बहुत खराब है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट डैमेजेस आ रहे हैं, बहुत सही। क्या नाइस, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड ऑफ हुआ, लेकिन हेलम ब्रेकर नहीं, क्या कहते हैं, फोरसाइट तो लग गया। कुछ है यहाँ पे, मटेरियल्स है, नाइस। एलिमेंट ऑफ हो चुका है इसका, नहीं, चलो अच्छा है, शॉट तो लगा। टर्फ वॉर क्यों नहीं हो रहा इन दोनों के बीच में, दोनों को एक दूसरे के ऊपर गिरा दिया। खैर पहले तो स्पिरिट गेज फुल करूंगा, फिर जाऊंगा इन सबको कलेक्ट करने। काचल आकाश के भी मटेरियल्स है, कितने मॉन्स्टर्स आ गए यहाँ पर, दो ही है, ओके ठीक है, दो ही है। ये मेरे पीछे क्यों पड़ा यार, तुम दोनों टर्फ वॉर क्यों नहीं कर रहे, पार्ट ब्रेक दिया उसने जिनोगर को, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कहते हैं मॉन्स्टर को कभी अपना पीठ नहीं दिखाना चाहिए। गीली मेंटल पहन लूंगा मैं, और ये हो गए यहाँ पर कंफ्यूज, इनकी कंफ्यूज होते ही ऊपर चढ़ जाऊंगा, थोड़ा डिस्टेंस लूंगा। मुझे नहीं लगता दो मॉन्स्टर्स ले अभी मैं मुकाबला कर पाऊंगा, और तब तक थोड़ी सी फार्मिंग वगैरह, थोड़ी सी गैदरिंग वगैरह भी कर लूंगा मैं। तो अभी मुझे दिख रहा है नारगा कुगा जो है पीछे की तरफ जा चुका है, ठीक है, तो एक बार नारगा कुगा पीछे की तरफ गया, मैं नीचे आ सकता हूँ। जिनोगर अकेला है, बहुत सही। कुछ है फुटप्रिंट्स वगैरह या नहीं, लग तो नहीं रहा। दे देता हूँ इसको मैं बॉल बैंक, बहुत सही। सही टाइम पे डॉज रोल था, इसके मटेरियल्स को मैं कलेक्ट कर लूंगा फिर से। बहुत सही हेलम ब्रेक, अरे नहीं 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 नहीं, गलत टाइम पे हेलम ब्रेकर मारा मैंने, कोई दिक्कत नहीं। बिल्ले के पीछे था वो, इधर देख, एनिमेशन भटक गया मैं। चलो ये तो हुआ, शार्पन कर लूंगा जल्दी ही, और देखूंगा यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स वगैरह वो छोड़ कर गया कि नहीं, छोड़ कर तो गया है, नारगा कुगा है लेकिन, ठीक है चलेगा। नारगा कुगा भी फॉरेस्ट रीजन का ही है जितना मेरे को याद है,
देख ही सकते हो यार, नारकागुगा भी है, जिनोगर भी है, दोनों से लड़ना एक साथ बेवकूफी है, लेकिन उन्होंने देख लिया मेरे को। यार इनके बीच में टर्फ वॉर भी नहीं हो रहा, मैं बोर हो रहा हूं। मेरा हेल्म ब्रेकर का मीटर जो है वो खत्म होने वाला है। चलो हेल्म ब्रेकर का मीटर फिर से बढ़ गया। नाइस, नहीं गलत डायरेक्शन, बहुत गलत, अब सही है, बेकार। मौका अच्छा है, मार देता हूँ हेल्म ब्रेकर, बहुत सही। एक और ये दो और ये वॉल बैंड, नाइस, इजी वर्क। आराम से कुछ मटेरियल्स ड्रॉप हुए इसके, हाँ हुए। अरे यार कार्टून की तरह गिरा वो एक ही शॉट से, चलो अच्छा है। कॉम्बो कंप्लीट कर दिया मैंने और देख ही सकते हो फिर से उसने कुछ मटेरियल्स ड्रॉप किए। एक और बार, एक बार शायद मैं फिर से उसको वॉल बैंक दे सकता हूँ, कोशिश करूंगा। बहुत सही, श्रीनगर का एक शॉट पड़ते ही हिल गया नारकागुगा एकदम से। नारकागुगा भले ही साइज में बड़ा है लेकिन ताकत ज्यादा तो जिनोगर पे ही है। ओ भाई, एक बार फिर से मौका अच्छा है। नोगर थक चुका है, देख सकते हो उसके दोनों सींग काट दिए मैंने और जिनोगर कमजोर भी हो चुका है मुझे इतना लगता है। खैर कमजोर हो गया है तो कैप्चर करने के लिए ताजा है, कैंप पे जाके आइटम्स वगैरह रीस्टॉक कर देता हूँ। जिनोगर वाइन ट्रैप में भी फंस गया, बहुत सही। आइटम बॉक्स, मैनेज आइटम्स, लोड आउट टू, ठीक है। ये क्यों है मेरे पास? इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ क्या मैं? शायद नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं। शॉक ट्रैप भी क्राफ्ट नहीं कर सकता मैं, और शॉक ट्रैप मेरे को नहीं लगता मेरे पास है भी, तो कुछ चीज़ें मेरे को डिस्कार्ड तो करनी ही पड़ेंगी। आइटम पाउच में जाऊंगा और फर्स्ट एड मेड किट डिस्कार्ड, ओके। आइटम बॉक्स मैनेज, और यूज़ करूँगा मैं लोड आउट टू। लोड आउट टू में ओके ओके अभी समझ आया, क्योंकि मेरे पास ट्रैप टूल्स और है ही नहीं, तो मेरे को क्या कहते हैं रास्ते में ही क्राफ्ट करना पड़ेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक शॉक ट्रैप क्राफ्ट कर लूँगा।
ट्रैंक बॉम्ब्स तो मेरे पास ऑलरेडी है ही। फुटप्रिंट्स वगैरह कम ही मिल रहे हैं अभी, जिनो करके तो बहुत कम फुटप्रिंट्स मिले। नार्गागुगा के फुटप्रिंट्स ठीक ठाक ही रहते हैं, नार्गागुगा लेकिन डोसाइल नहीं रहता। इसको यहां पर ले जाके शायद एक और बार मैं उसको फ्लिंच शॉट दे सकता हूँ। तो मैं उसको वेट करूँगा ऊपर उठने के लिए और उसको थोड़ा इस तरफ आने के लिए। ठीक है, अभी तक वो एग्रो हुआ नहीं है मेरे पे। एग्रो नहीं मतलब अभी तक उसका एग्रेशन पूरा फुल नहीं हुआ। अच्छा अभी हो गया एग्रो ये। गलत टाइम पे था। मेरी गलती थी वो, खैर कोई दिक्कत नहीं। अरे यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं इसको मारना नहीं चाहता लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी अभी तक बंद नहीं हो रहा है। अरे भाई एनिमेशन पे अटक जाता हूं मैं। ये चीज मुझे गेम की बहुत बेकार लगती है कि एक बार लाइट स्पिरिट फ्लैश मार दो तो एनिमेशन पे ही अटक जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते चाह कर भी। जाकर खुद को हील कर लूंगा मैं यहां पे बड़ा वाला बिगर बॉस पे। ओके ओके उसका एग्रो कम है, उसका एग्रो कम है यार। कैप्चर करना था मेरे को, स्ले करने में जैसा कि तुम देख सकते हो सिर्फ 60 पॉइंट्स मिलते हैं स्ले करने में, कैप्चर करने में 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो वही रीज़न था, 40 पॉइंट ज़्यादा मिलते इसलिए मैं कैप्चर करना चाहता था। बट ठीक है अभी कर ही दिया तो क्या ही कर सकता हूँ। और एंजनाद भी प्रकट हो चुका है एंशिएंट फॉरेस्ट पे। देख लेते हैं लेवल्स वगैरह क्या है मेरे। उससे पहले मैं जाके क्या कहते हैं अपनी हैंडलर को रिपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि अगर हैंडलर को मैंने रिपोर्ट नहीं किया बीच बीच में और अगर किसी क्वेस्ट में मेरा एक बार गेम ओवर होता है तो मेरे पॉइंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, रिवॉर्ड्स थोड़े से कम हो जाते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता। ओके मास्टर रैंक 60 पहुंच चुका हूँ, बहुत सही। फॉरेस्ट रीजन लेवल 3 तक, कोरल रीजन लेवल 5 तक पहुंच चुका है यार, बहुत सही। ओके ओके कोरल रीजन लेवल 5 पर है, फॉरेस्ट रीजन लेवल 3 तक है। अगर अंजनाथ को एक या दो बार हंट कर देता हूँ मैं तो चांसेस है कि फॉरेस्ट रीजन भी लेवल 5 तक मैं आज ही पहुँचा सकता हूँ। आइटम बॉक्स में जाऊँगा, क्राफ्टिंग में जाऊँगा और शॉक ट्रैप्स क्राफ्ट कर लूँगा। नाइस, मैनेज आइटम्स, बहुत सही। एक और बात है कि जैसे जैसे रीजन के लेवल 5 या 6 तक पहुंचने लगते हैं
तब उन एरियाज में सिर्फ टेम्पर्ड मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं, नॉर्मल मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होते। तो अभी यहाँ पर नीचे के मैप में देख ही सकते हो कि क्या नाम है इसका, पिंक रैथियन स्पॉन हो चुकी है, और पिंक रैथियन में पर्पल कलर का आउटलाइन है, मतलब पिंक रैथियन अभी टेम्पर्ड है। तो कोरल हाइलैंड्स लेवल 5 तक पहुंच गया, तो कोरल हाइलैंड्स में अभी टेम्पर्ड मॉन्स्टर्स ही स्पॉन होने वाले हैं। ठीक है, उनको स्पॉन होने देते हैं। और यहाँ पर मैं एंजनाथ के सबसे पहले तो इन फुटप्रिंट्स वगैरह या फिर म्यूकस वगैरह कलेक्ट करूँगा, और जैसे ही वो कलेक्ट होता है एंजनाथ को मारने निकल पड़ूंगा। ये ऑलरेडी यहाँ पर है, बहुत सही। थोड़ा पीछे मुड़ूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं लड़ना नहीं चाहता, पहले एटलीस्ट 4-5 बार फुटप्रिंट्स कलेक्ट हो जाए। बोन पाइल भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, रेयर आइटम्स मिलते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। जाइंट बोन पाइल्स हैव इमर्ज्ड, बहुत सही। तो सबसे पहले मैं ऊपर ही जाऊंगा, और ऊपर जाते जाते एंजनाथ की तो और फुटप्रिंट्स मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ जाइंट बोन पाइल से भी चीज़ें मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो जाइंट बोन पाइल का मेरे को ऑलरेडी लोकेशन पता है कहाँ पर है, क्योंकि मैं पहले भी एक बार उसकी तरफ पहुँच चुका था। फुटप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स, नाइस। और फुटप्रिंट्स, बहुत सही। तो जाइंट बोन पाइल्स का जो लोकेशन है वो यूजुअली इस एरिया पे होता है, देख ही सकते हो यहाँ पे। हाँ नहीं है, मैं गलत था शायद, खैर कोई दिक्कत नहीं। स्पाइडर वेब मिला है, कहीं तो रखना है इसको, एक्साइट रूम के बदले स्पाइडर वेब रख लेता हूँ मैं। जाइंट बोन पाइल्स यहाँ हो सकते क्या? नहीं है, माइनिंग आउटकोर पे यहाँ पे वही कलेक्ट कर लूँगा। कुछ तो भी रेयर आइटम मिला मेरे को, गाइडिंग फॉरेस्ट क्रिस्टल, बहुत सही। स्काउट फ्लाइज काफ़ी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। पता, एंजनाथ म्यूकस देख सकते हो यहाँ पर। जाइंट बोन्स कहाँ पर है यार? जाइंट बोन्स मेरे को दिख नहीं रहे, फिर से मेरे को म्यूकस दिखे, लेकिन म्यूकस है कहाँ पे? खैर जाने देता हूँ। ड्रैगन बोन्स, ड्रैगन बोन्स, जाइंट बोन पाइल में इसलिए जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं किया वो फिर से डीस्पॉन हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि जाइंट बोन पाइल्स जैसा रेयर रिसोर्स जो है वो डीस्पॉन हो जाए बेकार पे ही। म्यूकस मिल चुका है, 4-5 फुटप्रिंट्स वगैरह और कलेक्ट करने हैं मेरे को, नाइस। और गैजल अकाज मेरे पर एग्रो हो चुके हैं, देख ही सकते हो, तो उनको इग्नोर करूंगा मैं। ओ हो, ये है जाइंट बोन पाइल्स यहाँ पे। गाइडिंग फॉरेस्ट ड्रैगन बोल मिलने वाला है मेरे को, नाइस। ऑलराइट, बोन पाइल्स का किस्सा खत्म। एंजनाथ के फुटप्रिंट्स, नाइस। अभी भी गैजलाकास पीछे पड़े हुए हैं, इनको मारना ही पड़ेगा। तो एक खत्म। ये लोग इतने ताकतवर कि पेड़ वगैरह भी गिरा दे रहे हैं। गैजलाकास, मैं तुमको बता दूं यार, गैजलाकास अपने बिल्ले जैसे ही कुछ प्राणी होते हैं, लेकिन ये अलग से ही कबीले वाले होते हैं। एंजनाथ विल लीव द लोकेल सून, क्यों भाई इतनी जल्दी? तो इससे पहले अंजनाथ इस जगह को छोड़े, मैं उसको पकड़ लूंगा। कुलू यकू है यहां पर,
कुलू या कू से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना है अंजनाद से। लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कुलू या कू जो है वो एंशिएंट फॉरेस्ट की तरफ अभी आया हुआ है। मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि चलो कुलिया को कहीं मार कर देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट एनकाउंटर जो इसका होता है वो एंशिएंट फॉरेस्ट में ही रहता है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सही। बहुत बुरा था वो। फिर से स्पिरिट गेज अप। अरे यार लाई स्पिरिट स्लैश मारने वाला था मैं, लेकिन हुआ नहीं। कलरफुल प्ल्यूम, हाँ नहीं 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 हेल्म ब्रेकर प्लीज। अरे यार कुछ ज्यादा ही बड़ा हिटबॉक्स था वो, और मैं यहां पर हो चुका हूं स्टन। बहुत सही, जल्दी आ बिल्ले। जब भी मैं फोरसाइट लेने जाता हूं उसी टाइम पे ही वार करता है। नहीं यार बहुत बहुत ही बेकार था वो, टाइमिंग भी मेरी बहुत बेकार थी। हार्ड ब्रेक मिल चुका है, बिल्ली ने भी उसको पैरालाइज कर दिया है। मेरा स्टिक ड्रिफ्ट जो है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। नया कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा मुझे। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसी से काम चला लूंगा अभी तक। मुझे लगा फेस पे लगेगा, कोई बात नहीं। फिर से नहीं 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 प्रॉब्लम नहीं है, मारने चल लेता हूँ उसको फिर से। एक बार यहाँ पर भी देख लेता हूँ कि कौन से रीजन का लेवल ज़्यादा बड़ा है। एक और तरीका है वो सब करने का, अगर मैं अभी जाता हूँ अपनी हैंडलर के पास और उसको मैं रिपोर्ट देता हूँ तो वहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कौन से रीजन का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उससे मुझे पता चलेगा कुलियकू को मारने से कौन से रीजन का लेवल बढ़ता है। फॉरेस्ट का थोड़ा सा बढ़ा है, वाइल्ड फायर का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो यार वो दिक्कत कर सकता है। और फॉरेस्ट का थोड़ा सा इसलिए बढ़ा है क्योंकि अंजनाद के फुटप्रिंट्स मैंने कलेक्ट किए थे और मुझे ऐसा लगता है अंजनाद नीचे ही है, एकदम मेरे नीचे। तो एकदम नीचे शायद नहीं, या शायद हाँ, समझ नहीं आ रहा मुझे, बट ठीक है पीछा करूँगा। बेस्ट तरीका यह है कि उसको मैं कर दूँ मार्क और चल दूंगा मैं उसके पीछे। ओके सामने ही है, अच्छा
अंजनाथ लोकेल को छोड़ चुका है, मतलब वो इस एरिया से निकल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बचा है? पूके पूके बचा है यहाँ पे, तो अगर मैं पूके पूके को भी हंट कर सकूँ तो उससे भी काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स में कलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन पूके पूके देख ही सकते हो यार, वाइल्ड स्पायर वेस्ट के रीजन में है, तो उसको मैं अभी कलेक्ट नहीं करना चाहूँगा, बेवकूफ़ी होगी। बैन बैरो है, दो फुटप्रिंट्स कलेक्ट करूँगा बैन बैरो के, राइट। और कैंप में जाके देखूँगा देखूँगा बैन बैरो जो है वो कौन से रीजन का लेवल बढ़ाता है। रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, बैन बैरो से हर रीजन के लेवल बढ़ रहे हैं जो कि मैं नहीं चाहता। तो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, वॉल्केनिक रीजन का जो लेवल है वो मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि गाइडिंग लैंड्स में शुरू में ही बताया गया था कि जैसे जैसे एक रीजन का लेवल बढ़ता है दूसरे रीजन का लेवल कम हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एडजस्ट रीजन लेवल्स में जाऊँगा। कोरल हाईलैंड्स के तो 5 है, इसके मैं कर दूँगा 2 से 1। वॉल्केनिक रीजन का लेवल हो चुका है डाउन, बहुत सही। अब देखता हूँ कौन कहाँ पर है। वाइल्ड स्पायर, वाइल्ड स्पायर, ओके, यहाँ पर देख सकते हो यार, बैनवेरो जो है रोटेन वेल के लिए है, कुलू यकू अभी वाइल्ड स्पायर पे, वाइल्ड स्पायर पे मतलब लेवल बढ़ाने के लिए है। पुके पुके भी अभी वाइल्ड स्पायर के लिए स्पॉन हुआ है। तो सभी के सभी वाइल्ड स्पायर के लिए स्पॉन हुए हैं और मैं नहीं चाहता वाइल्ड स्पायर में कुछ करना, तो एक्सपेडिशन से निकल लेता हूँ मैं। कुछ देर बाद यहाँ पर फिर आऊँगा। और बेस्ट बात यह है कि मेरे लिए कुछ और क्वेस्ट वगैरह तैयार है, सलियाना पहुँचते ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि लेवल मेरा बढ़ चुका है। फील्ड टीम लीडर बोलते हैं कि आई नीड टू टॉक टू यू विद समथिंग, ठीक है उसकी तरफ चलेंगे। देखते हैं कलेक्शन में क्या क्या बन चुका है। हार्वेस्टिंग बॉक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है, कलेक्ट हार्वेस्ट कर लूँगा मैं। खैर, कल्टीवेट पे जाऊँगा फिर से। एक्साइट्स रूम बहुत हो चुके हैं, स्मोक नेट भी बहुत हो चुका है। मुझे अभी कुछ स्पाइडर वेब्स वगैरह क्राफ्ट करने, राइट, कुछ बिटर वर्क्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। मैग्नाडोरा भी चाहिए और थोड़ा हनी भी चाहिए मुझे। आई गेस इसकी जगह अगर मैं ब्लू मशरूम ही करूँ तो सही है, स्पाइडर वेब की जगह ब्लू मशरूम, मैग्नाडोरा और हनी, नाइस। फर्टिलाइजर डाल के जाऊँगा यहाँ पे। नाइस, तो ये हो चुका है, फील्ड टीम लीडर तक चलते। रेड ड्रैगन कंप्लीट, टॉक टू द सीकर, सीकर से भी बात कर लेंगे। साफी जीवा एंड इट्स एग्जिस्टेंस हैज बीन ऑन माय माइंड सिंस दिस एडवेंचर बिगन, इट रीशेप्स इट्स सराउंडिंग सो इट कैन रीप द बेनिफिट्स। आई मस्ट एडमिट इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस, कुछ ज्यादा ही वाइज है सीकर। हाउएवर Safi Jiva has been defeated. You must ask yourself, why hasn't something come after us? Where does one draw the line? And if we were to be obliterated, who would do the deed? To be honest, I am curious about when that time will come, and what answers it will bring to us upon its arrival. Before long, you and I will go our separate ways. And after we say our farewells and several human lifetimes pass, maybe the day will come when I find an answer. Keep that close to you, Hunter. कुछ ज़्यादा ही डीप था यार वो, और अच्छी बात है मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि खुद भी अगर कभी सुनना होगा ये चीज़ मैं सुन सकूँ। इसका तो मैं शॉर्ट बनाने वाला हूँ यार अपलोड करने के लिए, लेकिन बहुत ही डीप बात कही सी करने। खैर, एडमिरल के पास भी कुछ कहने के लिए है, लेकिन इसके पास जब भी कुछ कहने के लिए रहता है कुछ ना कुछ उल्टा होता ही है तो इसके पास नहीं जाऊंगा मैं। कमांडर के पास भी कुछ है, इनसे पूछ लेते हैं। You're back. Good. You made it back safely. Good. The Safi Jiva siege was not an easy task.
I'll make sure the guild is informed of your efforts and what we have discovered. Splendid job. It's about time for me to head back to Astera. I can't be absent for too long, but know that I'm very proud of you. ठीक है, कमांडर को बस तारीफ करनी थी, फील्ड टीम लीडर को क्या कहना है? Got a minute? Something new has come up. We got a monster sighting in the Guiding Land Forest region. Nothing we have seen out here before. It's a Yan. क्या? It's a Yan Garuga, a type of bird viper. I've never ever heard of this monster before. I wonder what it looks like. The hunter who spotted it says her ears are still ringing from piercing scream. The quest's called Return of the Crazy One. Go have a look when you can. Hunter Yan Garuga. Yan Garuga. बहुत ही अजीब सा नाम है, but ठीक है. बात करके देखता हूँ field team leader से फिर से. Great. Every time I think you have done something impressive, you go and top yourself. Your work during the siege was something else. You saved not only our home, but the entire new world from potential disaster. It may only last a moment, but for now, we can rest easy. But hey, at least we are doing it our way. The way of the new world. ठीक है, I guess Admiral भी तारीफ ही करने वाला है. Friggin' A, kid. You were clutch out there during the siege. सारे voice acting में एक जैसे ही क्यों कर रहा हूँ? You know what my Wyvarian friend told me? He said that I'm nothing like you with what you have accomplished. I'm just a guy who thinks about doing it and then cranks it up to 110 to get it done my way. Whether that's a good thing or a bad thing, I guess we'll have to find out ourselves, huh? Admiral अलग ही प्राणी है यार. तो एक चीज अगर तुम notice करोगे, सबके पास, seeker के पास insect glaive है, A-lister hunter के पास sword and shield है, field team leader के पास great sword है, मैं use कर रहा हूँ क्या कहते हैं, long sword. Admiral के पास कोई weapon नहीं है. तो मुझे ऐसा क्यों लगता है एडमिरल अपने कच्चे हाथों से ही मॉन्स्टर का सीना चीरता होगा, बट ठीक है, उसके बारे में थोड़े बाद में बात करेंगे. एक बार यहाँ पर देख सकते हो, थर्ड फ्लीट मास्टर के पास भी कुछ नया है, पूछ के देखते हैं. प्लीज गिव मी अ मोमेंट, आई गॉट हियर एज़ फास्ट एज़ आई कुड, आई नीड टाइम टू कलेक्ट मायसेल्फ. ओके, यस, आई एम फाइन नाउ. The scouts, they've spotted something nefarious within the secluded valley. Secluded valley, जहाँ पर साफी जीव आपने को दिखा था पहले, फिर से आया होगा शायद. The new commander must be alerted, but I'm not myself right now. I'm out of breath. Deep breaths. It's freezing. All right, come. We must hold council immediately. साफी जीवा के बाद लगता है कुछ तो भी नया मॉन्स्टर आने वाला है. Now that you've warmed up and caught your breath, do you want to tell us what's happening? It is you that might need to catch your breath. I bring alarming news. Our scouts in the secluded valley caught sight of something. An Alatreon. Alatreon. What? Alatreon. First time I'm hearing this name. What are we dealing with here? To be honest, I'm not sure. It's regarded as a symbol of destruction, and just uttering its name causes panic. No surprise. No records of Alatreon have survived. Alatreon, an elder known as the Blazing Black Dragon. Blazing Black Dragon. यार इससे तो ऐसे नहीं लड़ूंगा, इससे तो health regen complete करने के बाद ही मैं लड़ूंगा. We know is what was witnessed in the place known as the Sacred Land. It's a monster that has complete control of the full force of nature. The full force of nature? You mean the elements? Har elements ka control to blight resistance leke jana padega. Being able to control all of the elements seems completely nuts. Do we have anything else to go on? Nothing.
What? No other records? No, there really is nothing else. There were a few people that refused to accept that something like Alatreon could exist in the world. And they went and burned the few records we had of the monster. रिकॉर्ड्स भी जला दिए गए. इन यूनिवर्स कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है यहाँ पे. They burned them? Why would they do that? Who knows? But it happened a long time ago. But don't lose hope. It's not too late. We're the research commission. Just say the word and we'll get started on making new records. We owe it to the world to make it so. Let's get started as soon as we can. Roger. I'll prep a special assignment. Thanks. Hunter, take the quest and head out. Triple check your gear before you depart. If the legends are true, this symbol of destruction is going to put up a hell of a fight. Don't go in alone. Make sure you assemble a team. Assemble a team? क्या मतलब? अकेले हंट नहीं करना है लैट्रियन को? Our handlers and scholars will split up. We'll have a group out there providing support while the rest will be on standby at base. Those on standby will get started on recording all reports about the beast as soon as they come in. I think that should cover things. Fascinating. I wonder how that monster can control all of the elements. What makes that possible? Oh, I cannot stop shivering with curiosity. We'll know soon enough, I hope. All right, hunters, fight hard, stay smart, and get back home safely. कोशिश तो करूँगा. तो अगर हर एलिमेंट को वो कंट्रोल कर सकता है तो मेरे को नहीं लगता मैं उससे फालतू में जाके ऐसे ही लड़ सकता हूँ. तो शायद गेम इस वक्त तक मेरे से एक्सपेक्ट ही कर रहा होगा कि ग्राइंडिंग लैंड्स में ग्राइंड करते करते क्या कहते हैं ग्राइंडिंग लैंड्स में ग्राइंड करते करते मैंने हेल्थ रीजन वगैरह ऑगमेंटेशन लगा दिए होंगे. बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. स्पेशल असाइनमेंट ब्लेजिंग ब्लैक ट्वाइलाइट. ना बिल्कुल नहीं. अभी तो बिल्कुल भी नहीं. ना बिल्कुल नहीं. सबसे पहले मैं चल के देखेंगे ग्राइंडिंग लैंड से फिर से जाऊंगा. मैं देखता हूँ इस बार कौन कौन है. सैवेट डेविल जो बैन बैरो बैरोथ जरूरत नहीं है इनकी. एल्डर सीसेस में फिर से जाऊंगा और एल्डर सीसेस से फिर से मैं चल दूंगा ग्राइंडिंग लैंड की तरफ. ओके इस बार है लवासियोद बैनबेरो और वाइपर कड़ाची. फिर से नहीं. कोरल हाईलैंड में जाऊंगा मैं और कोरल हाईलैंड से फिर से मैं मैप को चेक करूंगा कि ग्राइंडिंग लैंड में कौन कौन से मॉन्स्टर्स है. मुझे बेसिकली भी एंशियंट फॉरेस्ट का जो लेवल है उसको चेज करना है. या फिर एक और चीज़ है यार शायद ये भी हो सकता है कि यान गरुगा को अगर मैं मारता हूँ तो शायद उससे कुछ ना कुछ तो नया मिल ही सकता है. तो अगर बर्ड वाइवर्न है उड़ने वाला है तो बेस्ट है मैं इंसेक्ट ग्लेव लेकर के जाऊं उसके लिए. फिर से चेक करूंगा मैं गाइडिंग लैंड्स में नारगा कुगा है. ओके एक काम करते हैं सलियाना वापस चलते हैं और सलियाना में देखता हूँ इंसेक्ट ग्लेव के लिए मैं अगर कुछ नया बिल्ड बना सकता हूँ कि नहीं. क्योंकि रेजांग के जो लेग पीसेस है मतलब लेग का जो आर्मर है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है और अगर मैं इसी बिल्ड को लेकर के नया इंसेक्ट ग्लेव का बिल्ड बना सकूँ स्टैमिना बिल्ड तो काफ़ी सही रहेगा. वो जाता हूँ मैं यहाँ पे चेंज इक्विपमेंट इंसेक्ट ग्लेव पॉइजन खेलूँ कि फायर खेलूँ. एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि नया इंसेक्ट ग्लेव मुझे मिला है साफी जीवा से. ब्लास्ट खेल सकता हूँ मैं. शार्पनेस इंक्रीज लेवल 5 है मेरे पास. बढ़िया है. ठीक है सेट डेकोरेशंस में जाऊँगा सबको हटाऊँगा यहाँ से राइट. और यहाँ पर मैं स्टैमिना बिल्ड बनाना शुरू करूँगा. स्टैमिना बिल्ड सबसे पहले मेरे को चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन. फिजिक ज्वेल लेवल 4 मिल चुका है. बहुत ही ज़्यादा रेयर ज्वेल है यार. चलो इसको कर लेता हूँ मैं इक्विप.
फ्लाइट फिजिक भी कर लूंगा मैं, क्योंकि इंसेक्ट ग्लेव है, एयरबॉर्न डैमेज ज़्यादा मिले तो मेरे लिए अच्छा है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास लेवल 3 तक है। गॉबलर भी लेवल 3 तक मैं लगा ही लेता हूँ। गॉबलर नाइस, फिजिक हो गया। अभी मैं सर्च करूंगा स्टैमिना सर्च के लिए, रिफ्रेश इवेजन। अरे हाँ, इवेजन ज्वेल भी मेरे को चाहिए था, तो उसको भी फिलअप करना है। इवेजन फिर से मैं देखूंगा यहाँ पे। हंगर रेजिस्टेंस तो नहीं चाहिए। इवेड विंडो देखता हूँ, डिस्ट्रॉयर इवेजन है, फ्लाइट इवेजन है, फ्लाइट सिंगल लेवल ही चाहिए, तो डिस्ट्रॉयर इवेजन मैं लगा लूँगा यहाँ पे। एक और इवेजन चाहिए मेरे को, स्टैमिना सर्च यहाँ पर मिल रहा है रिफ्रेश इवेजन में, तो इसको मैं लगा सकता हूँ। इवेड विंडो मेरे पास कितना है देखते हैं। इवेड विंडो लेवल 2 है सिर्फ मेरे पास, जो कि बुरा है। रिफ्रेश इवेजन, क्राइसिस, फ्रेंडशिप, सैटिएटेड, फ्लाइट, ड्रेन, स्टैमिना थीफ लिखा है, फ्लाइट, शीथ, क्या ही उठाऊं मैं यहाँ पे। ठीक है, क्राइसिस ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और इवेजन, तो अभी इवेड विंडो 4 है मेरे पास, तो इवेड विंडो 4 बुरा नहीं है, काफ़ी सही है। ठीक है, ये हो चुका है। मैराथन रनर अगर मेरे को कहीं पर मिल जाए तो, लेवल 2 मैराथन रनर है मेरे पास, अगर और मिल जाए तो और भी अच्छा है। रेस्क्रूशिएट, पीक परफॉर्मेंस, मैराथन रनर स्किल ही गायब हो गई यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है। हेवी आर्टिलरी, हॉर्न मेस्ट्रो, स्टैमिना सर्च, ईवेड एक्सटेंडर, मैराथन, मैराथन। शुरू से एकदम शांति से चेक करना पड़ेगा एक बार, या फिर शायद मेरे पास मैराथन रनर का कुछ है ही नहीं। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इतना है तो भी ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ब्लाइट रेजिस्टेंस उठा लूंगा मैं सबसे पहले, तो रेजिस्टर ज्वेल। ठीक है, तो ब्लाइट रेजिस्टेंस फुल है, हेल्थ बूस्ट फुल है, इवेड विंडो अच्छा खासा है। अभी बाकी की चीज़ है, मैं अटैक वगैरह से भर सकता हूँ यहाँ पे। स्टैमिना सर्च अभी भी लेवल 1 पर है, तो स्टैमिना सर्च के लिए मैं ऑप्ट इन कर सकता हूँ। स्टैमिना सर्च, सिर्फ एक ही ज्वेल है मेरे पास स्टैमिना के लिए, खैर क्या ही कर सकते। और क्या क्या चाहिए, इवेड एक्सटेंडर मैं यूज़ कर सकता हूँ। जंपिंग फिजिक है मेरे पास, जंपिंग फिजिक में मेरे को इवेड एक्सटेंडर मिल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा और मिल रहा है। ठीक है, उसको लगा देता हूँ मैं। रेजिस्टर फिजिक, ओके मैं ये कर सकता हूँ। रेजिस्टर ज्वेल यहाँ से हटा के रेजिस्टर फिजिक यहाँ पर लगा सकता हूँ मैं। जंपिंग फिजिक हटा के सैटिएटेड फिजिक लगा सकता हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर अभी लेवल 5 हो चुका है, बहुत सही, बिल्ड अच्छा बनता जा रहा है अभी तक तो। पार्ट ब्रेकर मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेवल 1 के अभी मेरे पास स्लॉट्स पड़े हुए हैं, तो इसमें देखता हूँ क्या लगा सकता हूँ मैं। डिफेंस बूस्ट बढ़ा सकता हूँ मैं, प्रोटेक्शन भी लगा सकता हूँ मैं डिवाइन ब्लेसिंग का, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल पॉइंट है। स्टेड फीस्ट लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि स्टन नहीं होना है मुझे किसी भी अटैक से, तो ये मैंने लगा दिया स्टेड फीस्ट। अच्छा, मैंने दूसरा ही उठाकर लगा दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं। स्टेड फीस्ट, स्टेड फीस्ट, ये आखिरी स्टेड फीस्ट लग चुका है। ओके, स्टन रेजिस्टेंस है, ब्लाइट रेजिस्टेंस है, हेल्थ बूस्ट है, ईवेड विंडो है, कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो यार, इंसेक्ट ग्लेव का बिल्ड बन चुका है, चेंज इक्विपमेंट में जाऊंगा और स्टैंडर्ड आईजी
राइट, यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा इसको। साफी जीवा का भी वेपन है। खैर चलो चल लेते यान गरुगा को मारने। रिटर्न ऑफ द क्रेजी वन, शुरू करेंगे इसको। गाइडिंग लैंड्स फर्स्ट कैंप से ही शुरू करते हैं। ओके, शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जाऊंगा एक मील करने। मील के बिना तो बस कंप्लीट नहीं होने वाला। खैर एक और चीज़ मैंने पता लगाई है, साफी जीवा का जो क्वेस्ट है, साफी जीवा का जो सीज का क्वेस्ट है, वो हर एक हफ्ते के बाद रीसेट होता है। तो लास्ट टाइम मैंने जब क्वेस्ट किया था वो शायद आखिरी दिन था क्वेस्ट का। अभी जो चल रहा है वो साफी जीवा का नहीं बल्कि क्लूव टेरोथ का कुछ तो भी क्वेस्ट चल रहा है। तो क्लूव टेरोथ एक और मॉन्स्टर है यार, जो कि सीज मॉन्स्टर है बेसिकली, राइट, साफी जीवा के बाद। तो एक दो दिन उसको भी स्पेंड करेंगे उसको ख़त्म करने के लिए। जान करूँगा यान गरुगा को ढूंढना पड़ेगा मुझे। फुटप्रिंट्स चाहिए सबसे पहले तो मुझे। यार ये लोग हमेशा शुरू हो जाते हैं। सब खत्म। यान गरुगा फुटप्रिंट्स नहीं है। खैर आगे बढ़ के देखते हैं। एकदम शुरुआती दिन याद आ गए मॉन्स्टर हंटर के, जब हर मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ता था। कुछ दिनों से ये एक्सप्लोरेशन का जो एलिमेंट है वो कम हो चुका था, बट खैर अभी वापस आ चुका है। कुछ लग भी नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, दूसरे एरियाज में जा करके देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। ये लोग फिर से एग्रो हो गए यार मेरे पे, अभी इनकी बैंड बजा के आया था। खैर कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला था कि एंशिएंट फॉरेस्ट में ही मिल जाना चाहिए। नीचे जाके देखता हूँ। नाइस। ओके, अरे यार नया मॉन्स्टर है ये तो, बिल्कुल ही नया मॉन्स्टर है। और मैं एक चीज भूल गया, मैं क्या कहते हैं, इंसेक्ट ग्लेव के साथ मुझे शेवर ज्वेल लाना चाहिए था। डेविल जो यान गरुगा मरने वाला है। सिनेमैटिक में तो मारेंगे नहीं, लेकिन अगर डेविल जो के साथ लड़ रहे तो डेविल जो है वो टक्कर का प्राणी होगा पक्के से। गलत सोचा था मैंने। अरे भाई साहब अभी मेरे पीछे है वो। कुछ हुआ नहीं इसको यार। तो ये चीज़ समझ सकते हो इसके दहाड़ने से ही कि यान गरुगा बार बार दहाड़ने वाला है, और डेविल जो को फेल दिया इसने। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता।
थोड़ा छुप के वेट करूँगा। मैं कोशिश करूँगा अपने कैंप पे जाने के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं, फायर कास्टर होगा मेरे पास, फायर कास्टर यूज़ कर लूँगा मैं। मैं कैंप में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि हल्का सा इक्विपमेंट चेंज करना था मेरे को। चेंज इक्विपमेंट, सर्वेयर की जगह मुझे शेवर ज्वेल डालना था। ठीक है, अभी चल सकता हूँ मैं यान करूँगा सलटने। सबसे पहले अपने कीड़े को कर लूँगा पावर अप, बहुत ही बेकार पावर अप मिला है। यान करूँगा कि क्या कहते हैं, यान करूँगा कि पार्ट को तोड़कर ही पावर अप करना पड़ेगा। खैर, ये इतने पास, यहाँ इतनी जल्दी यहाँ पर इतने पास कैसे पहुँचा? सही टाइम पे डॉज रोल। अरे भाई साहब, बर्ड वाई वंस के पास यूजुअली ये एबिलिटी नहीं होती फायर वगैरह फेंकने की, या फिर शायद ये पहला बर्ड वाइवर है जिसके पास फायर की एबिलिटी हो। दो बार हो चुका है टेंडराइज, नाइस। ये क्या बॉम्ब टाइप था? अरे यार, फिर से नहीं, फिर से नहीं। रिटर्न ऑफ द क्रेजी वन, इसको फालतू में नहीं बोला जाता। जहर भी है इसके पास। गया मैं, गया मैं, गया मैं, गया मैं, गया। इसको फ्लिंच शॉट देना नहीं बनता मेरे से। तो इसका जो वॉइस है वही इसके लिए आधा काम कर दे रहा है। नहीं यार, क्यों? दो, तीन, और ये स्टन लॉक। बहुत सही, अब मार सकते हैं इसको। ये कैसी खा ले इसकी। इसको टेंडराइज कर सकता हूं मैं शायद, हाँ। ग्राथियन का मूव था वो। बर्ड वाइवन तो है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर ये ऐसे ही स्पेंड कर रहा है नीचे ही जमीन के, तो मुझे लगता है इनसे के लिए बैड मैचअप था इसके लिए। लॉन्ग शॉट या फिर ग्रेट शॉट ही लाना चाहिए था मेरे को, पर खैर कोई दिक्कत नहीं, अब आ ही गया हूँ तो यूज कर लेता हूँ। स्लैश फ्यूरी, बहुत सही, नाइस। इसको कर दूंगा मैं टेंडराइज। पार्ट ब्रेक मिला है मेरे को।
उसका एग्रो फिर से कम हो चुका है और मेरी शार्पनेस भी, तो कोशिश करूँगा इसको एक बार एटलीस्ट वॉल बैंक देने की। वॉल बैंक से पहले वो उड़ चुका है, खैर कोई दिक्कत नहीं। वेपन हो गया शार्प, चल लेते हैं फिर से इसके पीछे। फाइट थोड़ा नया है, मूव सेट इसका थोड़ा नया है, एक या दो मूव्स इसके रैथियन से बहुत ज्यादा मिलते हैं बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ गया ये, और नीचे की तरफ गया है वो। खैर मुझे इतना लगता है जिस यान गरुगा को जिस यान गरुगा के साथ अभी मैं लड़ रहा हूँ और इस यान गरुगे ने जिस डेविल जो के साथ लड़ा, वो सैवेज डेविल जो नहीं था, वो नॉर्मल डेविल जो ही था। कि सैवेज डेविल जो है उसके मसल्स जो है वो थोड़े रेड कलर पे आते हैं। वो अभी तक स्टन भी नहीं हुआ यार, कैसे। बहुत सही, अरे यार बहुत सही। वॉल बैंक नाइस, स्लिविंग को भी पकड़ लूंगा। चलो अच्छा, एटलीस्ट टेंडराइज हो चुका है यार। नहीं, बढ़िया शॉट था वो। नहीं यार, नहीं यार, स्लीप स्लीप नहीं। ओहो, जान गुरु का अभी भी स्लीप स्टेटस लग चुका है। बहुत सही बिल्ले, नाइस। ओके, स्लीप लग चुका है, एक बड़ा अटैक दे सकता हूँ मैं। नाइस, उसने डायरेक्शन चेंज किया, मुझे लगा वो आगे की तरफ जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, पूछ चाहिए मुझे अभी। हेडशॉट, बहुत सही। सेट एक बार इसका समझ आ गया है तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। हेडशॉट पे हेडशॉट, टेल शॉट, अरे यार स्टन लॉक कर दिया मेरे को। एंटीडोट भी लेता हूं मैं।
चलो बढ़िया था, बुरा नहीं था, अटैक्स वगैरह सही जा रहे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है इसके लिए ग्रेट स्वॉर्ड बेटर वेपन है, क्योंकि इसके अटैक्स जो है थोड़े से फास्ट है, और ग्रेट स्वॉर्ड ऐसा वेपन है जिसमें पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है, तो अगर किसी भी मॉन्स्टर का अटैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट आने लगे तो ग्रेट स्वॉर्ड अलाउ करता है कि पहले ही खुद को प्री पोजीशन करके रखें और उसके बाद अटैक करें। बहुत गलत जगह पर लैंड किया मैंने, खैर कोई दिक्कत नहीं। इसको भी कर दूंगा मैं टेंडराइज। पूंछ को भी करना है टेंडराइज। ओहो पिल्ले ने कर दिया है पैरालाइज, बहुत सही। पूंछ पे नहीं, हेडशॉट नहीं लगा। बढ़िया शॉट। एक और बार। नाइस। पावर अप तो गलत जगह पे खत्म हुआ मेरे। पूछ पे ही मैं मारूंगा क्योंकि उसकी पूछ काटनी है मेरे को। और पूछ कट चुकी है, बहुत सही, पूछ कट गई यार। पहला अटैक, मेरे पास स्टन रेजिस्टेंस है, मैं स्टन नहीं होने वाला। लग जा, नहीं लगा। एक सवारी मिल जाए एक और मजा आ जाए। पागल हो चुका है देख सकते हो, ज्ञान करूंगा जैसे ही स्टन हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब प्रॉब्लम है। खुद को हील करूंगा फिर जल्दी से शार्पन कर लूंगा अपने ब्लेड को। बिल्ला संभाल रहा है तब तक। वेट फिश फिन यूज हो चुका है। पियर्सिंग पॉड है मेरे पास, इसको कहीं तो भी दीवार के पास बुलाऊंगा और जैसे ही दीवार के पास आता है इसको फ्लिंट शॉट देने की कोशिश करूंगा। नाइस, अरे यार इतनी जल्दी क्यों, इसका कोई तो ऐसा मूव होगा जो भागना बंद कर भाई। एक इसको फ्री शॉट देने के चक्कर में ये एग्रो ही हो चुका है। बस कर भाई, कलेक्ट कर लिए मैंने, टेंडराइज भी करना पड़ेगा।
सुसाइड डाइविंग कर रहा है ये बंदा, बट खैर उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गेम में ऐसा मैकेनिक होता कि जो भी मॉन्स्टर सुसाइड डाइविंग करे उसका भी हेल्थ कम होता तो और भी मज़ा आ जाता, लेकिन वही है ऐसे में गेम को ज़्यादा ही ईजी हो जाता जिसमें मज़ा नहीं आता। चलो यानगुरु आगे पीछे फिर चल लेते हैं, थोड़ा लेंदी फाइट है, या फिर लेंदी नहीं है यार, फाइट मेरे को लेंदी लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद नया मॉन्स्टर मिला है और ये नया मॉन्स्टर जो है क्या कहते हैं एकदम ही एंड लेवल का नया मॉन्स्टर है, शायद वही रीजन है कि फाइट थोड़ी लंबी जा रही है। मिस्टर नाइकॉन फिर से आ गया है, एक और बार टेंडर आइस। यान गुरु का हो चुका है कमजोर, बहुत सही। ठीक है, क्राफ्टिंग लिस्ट में मेरे पास होना चाहिए लेकिन है नहीं, मतलब ऑलरेडी है मेरे पास शॉक ट्रैप मिल चुका है। यान गरुगा कैप्चर के लिए तैयार है तो निकलते हैं उसकी तरफ और कर लेता हूँ यान गरुगा को मैं कैप्चर। बस यही उम्मीद है जिनोगर की तरह वो किसी उल्टे सीधे जगह पर ना सोए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कैप्चर नेट में डाल नहीं पाऊँगा। चलो ये तो अच्छा है कि ब्रैकिडियोस से मेरा मतलब रेजिंग ब्रैकिडियोस से ज़्यादा बुरा लड़ाई नहीं है ये। चलो सही जगह पर सोया ये, यहाँ पर शायद मैं शॉक ट्रैप डाल सकता हूँ पक्के से, बड़ा ही अजीब तरीका है इसके सोने का, देख ही सकते हो। जान गुरु का हो चुका है कैप्चर, बहुत सही, पूंछ भी काट दी। और ये अंडे जो मैंने सोचे थे रैथियन के होंगे वो रैथियन के अंडे नहीं है, वो यान गरुगा के अंडे हैं। तो हो सकता है चांसेस है आगे जाकर कुछ तो भी एक नया यान गरुगा मिले जो कि मेल यान गरुगा हो, बट ठीक है उसके मिलने तक देखते हैं क्या क्या नए वेपन्स या फिर क्या क्या नए आर्मर वगैरह यान गरुगा से अनलॉक हुए हैं। ट्रेल राइडर सफारी के नए लोकल्स अवेलेबल है अभी, जैसे कि यूआई में दिखाया था, चल के देखूंगा सबसे पहले कि क्या नए वेपन है और क्या नए आर्मर है। फॉर इक्विपमेंट आर्मर फ्रॉस्ट फैंग साफी जीवा, ओहो साफी जीवा के आर्मर आ चुके हैं, देख लेते हैं एक बार क्या है, क्राफ्ट तो नहीं कर सकते। साफी जीवा सील एलिमेंट एब्नॉर्मल स्टेटस एंड अफिनिटी अप विद वेपन ड्रॉन, टेक डैमेज वेन अटैकिंग, भाई ये तो गलत है, बट कैन बी रिकवर्ड वाइल कंटिन्यूसली अटैकिंग, ये सही है। तो बेसिकली साफी जीवा का वेपन ये करेगा कि अफिनिटी और एलिमेंटल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन अटैक करते टाइम डैमेज मैं बहुत ज़्यादा लूँगा और डैमेज को मैं रिकवर तभी कर पाऊँगा जब मैं कंटिन्यूसली किसी मॉन्स्टर को अटैक करता रहूँ। तो यार साफी जीवा का आर्मर कहता ही है कि इस आर्मर को क्या कहते हैं हेल्थ रीजेनरेशन के साथ यूज करने के लिए, टेक डैमेज वाइल अटैकिंग बट कैन बी रिकवर्ड बाय कंटिन्यूअसली अटैकिंग, ठीक है। यान गरुगा नहीं है क्या, यान गरुगा है, ठीक है आर्मर देख लेते एक बार कैसा दिखता है, बड़ा अजीब है, जापनी समुराई की तरह आर्मर लग रहा है, सामुराई भी नहीं कहूँगा मैं, कुछ तो भी और है, थोड़ा चाइनीज टाइप का आर्मर लग रहा है मेरे को, खैर ठीक है। क्रिटिकल आई ईयर प्लग्स रिजेंटमेंट, क्रिटिकल आई ठीक है, रिजेंटमेंट ईयर प्लग्स लेवल 3 ओके, ईयर प्लग्स लेवल 2, क्रिटिकल आई
कुछ बूस्ट वगैरह है पूरे सब कुछ मिलने से? मैक्सिमम माइट, हीरोइक सीक्रेट, कुछ खास नहीं है इसका आर्मर। वेपन्स में देखूंगा, एटलीस्ट कुछ तो भी अच्छा होना चाहिए। राथियन बोन, वेलकाना ब्रूट टाइग्रेक्स, लगता है कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। गिल्ड पैलेस स्वॉर्ड, ये कुछ अच्छा लग रहा है, इसको बाद में देखूंगा। ज्ञान गुरु को अगर सही में कोई वेपन ही नहीं है यार, ये कैसे हो सकता है? इतना सही तो मॉन्स्टर था, उसके लिए कुछ वेपन अगर नहीं डाले तो आई मीन शर्म की बात है। शायद ग्रेट स्वॉर्ड नहीं होगा, कुछ और होगा पक्का ज्ञान गुरु के लिए। लाइट ब्रेक, क्रुएल्टी, ट्रीज में जाकर फिर से देखूंगा। ओह, यान गरु का ट्री पास में ही है, और देख सकते हो यार पॉइजन 210 है यहाँ पे, राइट? तो पॉइजन बिल्ड के लिए यान गरु का अच्छा है। स्लॉट लेवल 3 है, लेकिन शार्पनेस भी बहुत कम है। अफिनिटी लेकिन 20% है, तो वो अच्छी चीज़ है। फिलहाल के लिए इसको मैं करता हूँ इग्नोर। और देखता हूँ गाइडिंग लैंड्स में कुछ नया है कि नहीं। कुलुयकू है, रेडोवैन है, लवासी होते, यार कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा गाइडिंग लैंड में, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या है जॉइन क्वेस्ट में करके देखते हैं, देखते किसी का कुछ नया क्वेस्ट वगैरह हो। कि डॉन्स ट्रायम्प, ओके डॉन्स ट्रायम्प, स्ले अलैट्रियन, तो ये वही क्वेस्ट है यार जो मेरे को मिला है, लेकिन ये करना नहीं है मेरे को अभी। द इटर्नल गोल्ड रश, क्लूफ टैरोथ, तो इसको स्ले करना है अभी। इटर्नल गोल्ड रश कर सकता हूं मैं, एटलीस्ट क्लूफ टैरोथ क्या है वो जानने का एटलीस्ट मौका मिलेगा मुझे, तो इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट। और देखता हूं मेरे पास कुछ नया वेपन है कि नहीं। क्लूफ टैरोथ जो है वो काफी बड़ा मॉन्स्टर है, तो कोशिश करूंगा मैं साफी जीवा का ये क्या कहते हैं शैटर शील्ड। लेफ्ट द क्वेस्ट, बंदे ने क्वेस्ट ही छोड़ दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं। ओहो यार डिज़ाइन देखो साफी जीवा के वेपन की, सामने आंख है और आंख खुली नहीं है, तो अगर मैं इसको अपग्रेड करता हूँ एंड लेवल तक तो शायद तभी आंख खुलेगी। गार्डिंग लैंड्स में बंदा है, टारगेट प्रेफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन अपने को तो है, तो इसको मैं इग्नोर करूँगा। जॉइन क्वेस्ट में फिर क्लिक करूंगा, देखते हैं कुछ और है कि नहीं। इटर्नल गोल्ड रश, इटर्नल गोल्ड रश से जॉइन करके देखते हैं क्या ही है। राइट, इसको जॉइन कर लिया है, क्योंकि ब्लास्ट वाला एलिमेंट है, एक ब्लास्ट वाला डेकोरेशन भी लगा देता हूं यहां पे। स्किल्स, ब्लास्ट अटैक नहीं, फायर अटैक, ड्रैगन अटैक, ब्लास्ट अटैक, नाइस। ब्लास्ट ज्वेल है एक ही है, लगा देता हूँ इसको यहाँ पे और चल लेता हूँ मैं लेफ्ट द क्वेस्ट। सीरियसली यार किस चीज के लिए? सही तो है, चांसेस ये है कि मैं क्वेस्ट छोड़ नहीं रहा, बल्कि क्वेस्ट का लीड जो है वो निकाल रहा है मेरे को क्वेस्ट से, तो इससे पहले कि वो फिर से निकाले मैं कर लूंगा डिपार्ट। मैप लगता है काफी बड़ा होने वाला है। ओके, सबसे पहले मैं कर लूंगा मील। एक चीज़ तो है, ये चीज़ भूल गया मैं, चेंज इक्विपमेंट में जाऊंगा सबसे पहले तो, और टेस्टिंग सेट में ग्रैब कर लूँगा, क्योंकि शुरू में मेरे को डेकोरेशन उसी के चाहिए थे, और कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी क्योंकि सैफी शैटर शील्ड में जो ब्लास्ट का जो ज्वेल है वो ऑलरेडी यहीं पे था। और हाँ, एक और चीज़ मेरे टीममेट्स मरे जा रहे हैं वहाँ पे,
बट ठीक है, कोई बात नहीं। फोकस चार्म, हैंडीक्राफ्ट चार्म यूज़ कर लेता हूँ मैं, थोड़ा हल्का शार्पनेस मिल जाएगा। बिल्ला पागल हुआ जा रहा है, तो चलो चल लेते यार क्लूफ टेरूथ को पकड़ने। क्लूफ टेरूथ से एक बार पहले भी लड़ाई हुई थी, याद होगा, तो उसके जो मूव सेट है, उसका जो स्टाइल है, वो ग्रेट जैग्रास की तरह है, कतई मोटा सा होकर के। मशरूम उठा लूंगा मैं, कूल ड्रिंक मिल गया मेरे को अभी। तो ये है क्लूफ टेरूथ, ठीक है। उसका एक हाथ टेंडराइज नहीं हुआ जो मेरे को लगता है। बहुत बुरा था वो। इस आग से दूर रहने का है, देख ही सकते हो यार उसका रेंज कितना ज्यादा है, बहुत ही खतरनाक अटैक था वो। मेरी हेल्थ देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी कम हो रही है यहां पे। चार ब्लेड हो चुका है चार्ज, डॉज, डॉजिंग, कुछ हुआ भी इसको? हो ही नहीं रहा यार। बढ़िया स्लैश था वो, फिर से कोशिश करूंगा। इसका शरीर ही इतना बड़ा है कि मुझे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। अरे गया मैं भाई, क्या अटैक था वो इतनी जल्दी। ओके बहुत सही, कुछ है भी नहीं मेरे पास हेल्थ बढ़ाने के लिए, मैक्स पोशन लगा के ही हेल्थ बढ़ाना पड़ेगा, पर ठीक है। तो एक ही बार में उसके हल्के से टच होने पर ही मेरा हेल्थ जो है वो आधे से ज़्यादा कम हो गया, तो ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, मुश्किल है थोड़ा। और वो अटैक इतना खतरनाक मेरे को दिखने में भी नहीं लगा कि उसको मेरे को डॉज करना पड़े। फिर से वही अटैक, बढ़िया शॉट, ब्लॉक कर दिया मैंने उसका अटैक। क्लूटर ऑफ द एस्केप्ड, खैर कोई दिक्कत नहीं, लगता है ये भी सीज की तरह ही है, एक
टाइम के अंदर एक लेवल तक डैमेज ना देने पर क्या कहते हैं जो मॉन्स्टर है वो भाग जाता है। तो वो तो है कि मैं सही हिसाब से डैमेज दे नहीं पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं कि स्मिथी के पास क्लूफ्टेरोथ से कुछ रिलेटेड होता है कि नहीं, और पक्के से है, देख ही सकते हो यहाँ पर। अपग्रेड योर अप्रेजल वेपन्स, आई नो वी गॉट सम मिरेकल वर्कर्स बैक देयर, ठीक है। तो ये देख सकते हो यार क्लूफ्टेरोथ के वेपन्स है, फोर्ज इक्विपमेंट वेपन्स, ग्रेट स्वॉर्ड है, यहाँ पर नहीं है। आर्मर होगा क्लूफ्टेरोथ का, हाँ यहाँ पर है। 176 इसका रॉ डिफेंस है, सबसे ज़्यादा है पूरे गेम में, रीजिंग ब्रैकेट ही उससे भी ज़्यादा। और फ्री मील पहले ही मिल रहा है, स्पीड ईटिंग मिल रहा है, बहुत सही। और क्या क्या, क्रिटिकल बूस्ट है, पीक परफॉर्मेंस है, पूरे आर्मर में देखते क्या है। स्पीड ईटिंग लेवल 3, ओके, मतलब कि अगर इसका पूरा आर्मर पहन लिया मैंने तो लेवल 3 स्पीड ईटिंग मेरे को मिलता है। स्पीड ईटिंग नहीं, फ्री मील, ठीक है। तो यार क्लूफ्टेरोथ का पूरा क्राफ्ट करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है। खैर इसको बाद में देखते हैं। क्लूफ्टेरोथ के लिए एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा, हो सके तो अच्छी बात है। टेस्टिंग सेट 1 ही यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता दूसरा कोई सेट मैं अभी यूज़ करने के लायक हूँ। जॉइन क्वेस्ट रिस्पॉन्ड, ब्रैकेडियोस के ये लोग कर रहे हैं तो ये नहीं करना मेरे को। क्लूफ्टेरोथ अभी कोई कर नहीं रहा, चलो क्लूफ्टेरोथ नहीं कर रहा तो ठीक है ब्रैकेडियोस के लिए चल लेते। रैथलॉस ग्लीम स्वॉर्ड, दोनों ही 1 मिनट है, दोनों ही चाइनीज है, एक काम करते हैं पहले के पास ही चलते। ग्रेट स्वॉर्ड वाला एक होगा, एक लॉन्ग स्वॉर्ड वाला मिल जाए चलेगा। और हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो दूसरा वाला वेपन था जिसमें फेटलिस्ट ड्यूअल स्काइज यूज़ कर रहा था, वो बंदा चाइनीज़ है प्लस चीटर है, क्योंकि फेटलिस्ट जो है वो एंड गेम मॉन्स्टर है, और एंड गेम मॉन्स्टर का वेपन अगर इतने जल्दी यहाँ पर आ गया ब्रैकेट ही उसको मारने के लिए, तो सीधी सी बात है वो चीट्स यूज़ कर रहा है, फिर मॉड यूज़ कर रहा है। मेरे को ये भी नहीं समझ आता यार कि PvE गेम में ये लोग चीट्स क्यों यूज करते हैं। स्प्लैटर, मैं एक चीज क्यों भूल रहा हूँ कि मैं ब्लाइट रेजिस्टेंस भूल गया। तो चलो चेंज इक्विपमेंट फिर से, एंटी रेजिंग ब्रैकेट यूज, ब्लास्ट रेजिस्टेंस प्लस ब्लाइट रेजिस्टेंस दोनों है मेरे पास, चलो चल लेते हैं। बहुत सही, आ जा ब्रैकी। देख ही सकते हो ब्रैकेडियोस ऑलरेडी बहुत गुस्से में, इसको एक बार तो मेरे को नहीं, बच गया बच गया। नहीं यार, एक बंदा गया, एक्सपेक्टेड ही था, कुछ नया नहीं है। वो वॉल बैंक दे सकता हूँ मैं इसको, तो देख सकते हो यार ब्लास्ट का ब्लाइट मेरे को नहीं लगा। लेकिन ब्लास्ट जरूर लग गया, बुरा हाल।
एक और बार मैं इसको शायद से नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। क्यों यार, क्यों इतनी जल्दी क्यों? और हो गया मैं इसका गया मैं। कॉर्नर पे आना बुरा आइडिया था। सबसे पहले तो मैं कॉर्नर से निकल लूँगा क्योंकि बेवकूफ़ी है कॉर्नर पे इससे लड़ना। वाटर मॉस उठा लेता हूँ मैं। एक हंटिंग हॉर्न वाला बंदा आ गया यार, चलो अच्छा है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने भी हंटिंग हॉर्न वगैरह नहीं खेला, तो साफ़ी जीवा का एक हंटिंग हॉर्न क्राफ्ट कर लूँगा क्योंकि अभी मैं एकदम शुरू से कोई भी हंटिंग हॉर्न क्राफ्ट करना नहीं चाहता वैसे तो। एक और बार ये कैसा हुआ? ये लोग फिर से कॉर्नर पे लड़ाई कर रहे हैं जो कि बेवकूफ़ी है। शॉक ट्रैप सीरियसली? ये भी सही तरीका है यार। ब्रैकिडियोस और भी नीचे जा रहा है वॉल्केनिक रीजन पे, तो लगता है कॉर्नर करके उसको मारना अच्छा आइडिया है अगर मैं हैमर मेन हूँ तो, क्योंकि देख ही सकते थे हैमर प्लेयर जो है वो कॉर्नर करके बहुत ही हो देख सकते हो उसको थोड़ा बहुत डैमेज मिल रहा है यहाँ पर। ये बुरा था, ये और भी बुरा था, बच गया लेकिन मैं। क्राफ्ट कर लूंगा सबसे पहले तो। साइड कर तो रहा हूँ लेकिन दूसरी साइड लग नहीं रहा, तो प्रॉब्लम नहीं। इसके पैरों को मुझे टेंडराइज करने हैं। अरे यार हंटिंग हॉर्स का प्लेयर बैटरी उसके ऊपर चढ़ चुका है यार। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। चार प्लेयर के साथ और ज़्यादा फंसट मची है। मौका है हिल ब्रेकर का।
कैसे कैसे मैंने सही टाइम पे फोरसाइट डाला था। ग्रेट फोर्ड वाला प्लेयर बस आगे पड़ा है अपनी के लिए। वो साइड पड़ गया था। नहीं 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 फटने वाला हूँ मैं, बच गया। वो शॉट मुझे कैसे लगा मुझे पता नहीं चला। खैर कोई दिक्कत नहीं, पूछ को मारेंगे, पूछ को मारेंगे। नहीं यार लास्ट शॉट नहीं लगा। पैरों के नीचे था यार मैं, मेरे को एक शॉट वाले बंदे का जो है शॉट कैंसिल हो गया। शॉट कैंसिल तो नहीं बोलूंगा लेकिन शॉट जो है मिस हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, हंटिंग हॉर वाले बंदे यार हमेशा एकदम पॉजिटिव ही रहते हैं। नहीं यार फिर मिस। यही मेरे को बहुत बेकार लगता है इसकी पूंछ की। क्यों बहुत बुरा बहुत बुरा। गया मैं गया मैं गया मैं गया मैं बच गया मैं। मैं सही बता रहा हूँ यार आधे अटैक्स मेरे को इसके समझ नहीं आ रहे और आधे अटैक मेरे को इसलिए नहीं समझ आ रहे क्योंकि चार लोग हैं वो मेरे पर फोकस नहीं कर रहा है और इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा वो कब कौन सा अटैक कब करने वाला है। मैं सही बता रहा अगर ये शॉट ट्रैकिड हो उसका लगता ना हल्का सा कहीं पर लगे ना लगे पक्के से मेरे को डैमेज मिलता।
लग जा भाई अभी तो। अरे यार क्यों, इसका रोर का टाइमिंग भी बहुत अलग है यार। बड़ा अटैक मारने वाला है वो। खैर एक शॉट बढ़िया। नहीं यार यही रह गया था, यही रह गया था। और यहाँ पर तो चार लौंडे मौजूद है, चार लौंडों के मौजूद होने पर यार एक हेल्प ब्रेकर लग जाए यार। गया मैं, बच गया मैं। इसको मैं वॉल बैंक दे सकता हूँ, इसको मैं वॉल बैंक दे सकता हूँ। यार मेरे हेल्म ब्रेकर्स लग नहीं रहे यार, बहुत अनोइंग हो रहा हूँ मैं, बहुत अभी कुछ आ रहा है। लग गया। नहीं यार बढ़िया था।
सही टाइम पे मैंने डाइव मार दिया। बहुत सही, पूछ पे प्लीज। बहुत यार, पूछ भी तोड़ा मैंने, पार्ट ब्रेक भी आया। बहुत सही, पार्ट ब्रेक भी आया और उसी टाइम पे ब्रैकेट यूज मरा भी। इससे बेटर अब क्या हो सकता है। लेकिन अभी भी मेरे को नहीं लगता मेरे को उसका सबसे रेयरेस्ट मटेरियल मिलने वाला है, जो कि है इमॉर्टल रिएक्टर। नहीं मिला मेरे को इमॉर्टल रिएक्टर, खैर क्या ही कर सकता हूँ मैं। जंपिंग एक्सपर्ट ज्वेल बुरा नहीं है, ठीक है। चेक कर लेता हूँ एक बार कि मॉडल रिएक्टर अभी तक है कि नहीं मेरे पास। जानता हूँ नहीं होगा, बट देखते हैं। क्वेस्ट रिवॉर्ड्स में मिला कि नहीं, क्रेविंग रिवॉर्ड्स पे तो मिला नहीं। वेपन्स, सॉरी वेपन्स, चार्ज ब्लेड नहीं है, इमॉर्टल रिएक्टर। खैर ठीक है यार, आज के लिए सोच रहा हूँ कि बस इतने भी ही रहने दूँ। खैर जो भी है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि क्या कहते हैं, वेपन्स को एटलीस्ट ऑगमेंटेशन लगा दूँ मैं, ताकि नेक्स्ट मॉन्स्टर से लड़ सकूँ जिसके पास सारे एलिमेंट की ताकत है। एलेड्रॉन नाम था उसका। तो चलो यार, आज का वीडियो यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं तुम्हें मिलता हूँ मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड में।